हेलो बॉयज़, कैसे हैं? सब बढ़िया बॉयज़। दोनों बाइक्स काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसकी खुद की मेंटेनेंस करते हैं। जो जो इजी मेंटेनेंस होते हैं, जो कि हम घर पे कर सकते हैं, जैसे कि चेन क्लीनिंग हो गया, वॉश एंड वैक्स हो गया। तो जी अभी मैं जा रहा हूँ इन दोनों बाइक्स को वॉश करवाने। ये बाइक मैं चलाऊँगा और ये बाइक उदित चलाने वाला है। तो सबसे पहले जी जो इसकी जो चेन की कवर है, फ्रंट स्प्रॉकेट की, हम उसको ओपन कर देंगे। अगर हम उस पर पानी का प्रेशर मारेंगे तो वहाँ पे जितने भी कचड़े हैं वो वहाँ से हट जाएगा, बिकॉज़ हम काफ़ी ज़्यादा डस्टी एरिया में रहते हैं। तो हम पहले इसकी चेन स्प्रॉकेट वगैरह में पानी मराएंगे, वो क्लियर हो जाएगा। फिर हम इसमें अच्छे से चेन लूप करेंगे और इसको वॉश करेंगे, और फिर इसके ऊपर जो मेरे पास जो पॉलिश है वो उसे हम पॉलिश करेंगे। जी जहाँ पे हम वॉश करने जाते हैं वो लोग क्लिनिक प्लस का शैम्पू यूज़ करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उन लोगों को अपना खुद का शैम्पू दे देता हूँ वॉश करने के लिए। और ये काफ़ी अच्छा शैम्पू है, तो इससे बाइक में पॉलिश की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और अलग ही साइन आता है। तो अभी चलते हैं वॉशिंग सेंटर पर और दोनों बाइक को वॉश करते हैं, और फिर बाकी की मेंटेनेंस खुद से करेंगे। वॉशिंग सेंटर और अपाची RTR 160 मेरा भाई चला रहा है इसको। जी मैंने पहली बार चलते हुए देखा, बहुत दिनों बाद चलते हुए देखा, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था ये बाइक। तो अभी मैं इसका ये ओपन करने वाला हूँ, ये जो यहाँ पे चेन का साइड है इसको ओपन करने वाला। कंडीशन देखिए जी, यहाँ पे अगर हम पानी मराएंगे तो ये बहुत हद तक साफ हो जाएगा। फिर घर जाके हम इसकी चेन लूप वगैरह करेंगे। Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good. So boys, ये देखिए आप कितना ज़्यादा clean हो गई है और कितना ज़्यादा पहले dusty थी। तो अभी जो इसका जो guard है उसको मैं flip कर देता हूँ, और इसको भी मैंने wash कर लिया है। तो ये जब से मैंने इसका stress guard लगाया है जी, इसको fix करना थोड़ा सा मुश्किल हो। फाइनली दोनों बाइक मेरी वॉश हो गई है। अभी जी इसकी आपको सिनेमेटिक शॉट देते हैं। अभी घर जाके मुझे इसको पॉलिश करना है, मैं खुद से पॉलिश करूँगा और इस बाइक को भी पॉलिश करूँगा, और जो इसकी चेन क्लीनिंग की प्रोसेस है वो दोनों काम मैं खुद करने वाला हूँ। भाई बहुत दिनों से जिद कर रहा था उससे ड्यूक चलाना है, तो अभी मैं अपाची RTR चलाने वाला हूँ, उदित चलाएगा ड्यूक। तो बॉयज अभी मैं फिर से बाइक में पानी मारने वाला हूँ दोनों बाइक में, बिकॉज इतने दूर से लाए हैं तो इसमें डस्ट वगैरह जम गया है। ये पानी मारने के बाद फिर हम इसके ऊपर पॉलिश अप्लाई करेंगे, और इस बाइक के लिए हमें चाहिए पेडोक स्टैंड। तो मैं पेडोक स्टैंड यहाँ पे लेके आया हूँ दोनों बाइक्स को। यहाँ पॉलिश मैं ये वाला पॉलिश यूज़ कर रहा हूँ, पता नहीं ये अच्छा है कि नहीं। और हमें दो कपड़े चाहिए, ओके, और ये स्पॉन्ज चाहिए पॉलिश को स्प्रे करने के लिए। तो अभी to my place, I feel my heart erase, so catch me if I fall. इसको जो स्प्रे किया था उसको मैंने पूरा मिला दिया है, तो इसे थोड़ा सूखने में 5 मिनट लगेगा, तब तक मैं इसकी जो चेन है चेन को लूप कर देता हूँ। सो भाई जो चेन लूप होता है हमें चेन के अंदर तरफ मारना है, उसको बाहर तरफ मारेंगे तो वो प्रॉपर इसमें बैठता नहीं है। तो अभी बाइक को बिना स्टार्ट किए ही इसको करेंगे। There was once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too, sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a... पाची में अप्लाई करेंगे और अंदर में वो एक बूट रख देंगे ताकि हमारा टायर ख़राब ना हो। तो इस मेरी मेहनत रंग लाई, और दोनों बाइक को अराउंड अबाउट 2-2.5 घंटे मैंने साफ़ किया है, चेन लिफ्ट किया है, इसकी पॉलिश की, इसको वॉश किया, जितना मेरे से हो सकता था डू इट बाई योर सेल्फ मैंने वो सारे चीज़ किए, ओके। तो अभी जी थोड़ा सा सिनेमेटिक शॉट लेते हैं, मेरे पास जगह नहीं है, तो जितना हो सकता है मैं आपको सिनेमेटिक शॉट दिखाता हूँ।